नाजरीन उर्दू न्यूज़ कोलकाता में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 133 के टीएमसी के कैंडिडेट और बोरो 15 के साबिक चेयरमैन श्री रंजीत सिल के ऑफिस में मौजूद हूँ। है मौसम, इलेक्शन का मौसम, चुनावी मौसम काफ़ी शबाब पर है। चारों तरफ वार्ड में मीटिंग चल रही है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस पर मौका निकाल पाया है हमें बाइट देने के लिए। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए सीधे आपको वार्ड नंबर 133 के टीएमसी के कैंडिडेट श्री रंजीत शील से आपकी मुलाकात कराता हूं, जो बोरो 15 गार्डनरीज यूनिट के साबिक चेयरमैन और इस वार्ड के साबिक काउंसलर भी हैं। श्री रंजीत शील, आपका हमारे उर्दू न्यूज़ कोलकाता में इस्तकबाल है, वेलकम है। आप टीएमसी के कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 133 है, कैसा महसूस हो रहा है फिर से ममता बनर्जी ने आपको जो है कैंडिडेट बनाया? सुनिए, ममता बनर्जी जब कांग्रेस करती थी वही टाइम मैं भी ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस करती थी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस हुआ, मैं भी तृणमूल कांग्रेस हुआ। टीएमसी पार्टी का संगठन कर पूरा दायित्व हमारा पास था इधर का, वो भी हम किया। उसके बाद पहला फुट बंद पार्लियामेंट का इलेक्शन जो था, ममता बनर्जी यहाँ से कैंडिडेट बना था, लेकिन ममता बनर्जी को हम लोग फुट बंद से 32,000 वोट में हम लोग जिताया था। उसके बाद फिर काउंसिलर इलेक्शन आया, हम खड़ा हुआ, यहाँ का आदमी का आशीर्वाद हमको मिला और बहुत से बड़ा बड़ा नामी लोग, वो लोग भी खड़ा हुआ रहा, लेकिन वोट पाया 500, 400 ऐसा। मानुषर आशीर्वाद भलोबासा पे हमें से बार ही 1978 भोटे हमें जीते। फर्स्ट बार प्रथम बार सेकेंड बार हमें आबार जखन दाड़ाई मानुष हमको आशीर्वाद दी चलो मोटामुटी 5,000 काछाकाछी 100 कम 5,000। हाँ, डिफीट करे ओई समय डिफीट कर से जलमंत्री छिलो मृणाल मंडल दाड़ाय मृणाल मंडल पाली गए जैक जे दाड़ी से हर हर তারপরে আবার ওই 4,878 ভোটে জিতেছি বললাম। তো এবার আমার যা কাজ করেছি, আমি দেখুন সব সময় ইলেকশন বলি, এই যেরকম আজকে একটা মিটিং গেল আমি একটা কথা বললাম, কোনো অ্যান্টি সোশ্যালের ভোট আমার চাই না, দেবেন না। স্টেট কার্ড অ্যান্টি সোশ্যালের ভোট আপনি চাই? আমার চাই না। হ্যাঁ, আমি মানুষের ভোটে জিততে চাই, আম জনতা কা ভোট মে আম জিতনা চাহতা হ্যায়। তো আজকে আপনাদের আশীর্বাদে, গার্ডেন গিজের মানুষের আশীর্বাদে কম করে 8 থেকে 10,000 হবে। এইবার এই ওয়ার্ডে 133-তে যেখান থেকে আপনি অ্যাজ এ টিএমসি ক্যান্ডিডেট উঠেছেন, আপনার এগেনস্টে কে আছে, কার সঙ্গে আপনার মোকাবিলা? কারোর সাথে নেই, বিরোধী বলে কে আছে আমি জানি না। লোকের মানে মুখের একটা কথা আছে কি এই ওয়ার্ডে যদি টিএমসি হেরে যায় তার মানে বিজেপি চলে আসবে 133-তে, কি আপনি? হ্যাঁ, বিজেপি হ্যাঁ, তো বিজেপি হারিয়ে নেই, বিজেপি বিজেপি ভাগ গিয়া, ভাগ গিয়া, হ্যাঁ ভাগ গিয়া ইয়া ভাগা দিয়া নেই, এ সব জিন্দেগি মে হামনি করতা হ্যায়। একটা কথা শুনুন, আমি এমনই একটি ছেলে যে জীবনে কোনো গুন্ডামি কী জিনিস সেটা আমি জানি না, কিন্তু এটাও ঠিক কই গুন্ডা আকে আমকো মারেগা উসকো আম ছোড়েগা ভি, লেকিন জিন্দেগি মে আমরা রেকর্ড আয় আজ তক কিসি কো ছোটা বড়া বাত নেই কিয়া। তো ইসকে মানে আপকো 133 সে ওয়াকওভার মিল গিয়া ধরিয়ে। তো আপকো ক্যা লাগতা হ্যায় কিতনা ওয়াট দিয়ে কিতনা ভোট থে আপ ইসকো? তো পহলেই বোলা 8-10,000। 8 से 10,000 आपके वार्ड में क्या काम रह गया है जिसको आप जीतने के बाद फौरन करेंगे? देखिए, बहुत से काउंसिलर बोलेगा यही कर देगा वो कर देगा, हम अभी क्या बोलता है मालूम है? हर मीटिंग में आज भी बोला, क्या बोला? रास्ता घाट डेंट लाइट जॉल ये तो हम करता ही रहेगा करेंगे,
लेकिन हम कुछ एसेट भी सोचता है जो गार्डन के वासी कुछ एसेट मिल जाए। एसेट का मतलब पहला हमारा काम है गार्डन की इसमें नहीं है एक तो ऑडिटम एवं इलेक्शन जीतने के बाद 3 महीना के अंदर में वो काम को हम शुरू करेंगे। ये हमारा चैलेंज है। ये कौन सा वार्ड होगा? हमारा 33वें होगा। 133 है और एक तो शादी बाड़ी 134 नंबर हो रहा है कम्युनिटी हॉल, वो भी हम लोग किया है। अनिल से पूछिएगा, पहला उसको दिमाग में हम ही घुसाया तो वो बोला काका ठीक कथा बोले छो, ওটাও হয়েছে। আরও একটা বিয়ে বাড়ি এখানে আমরা করার চিন্তায় আছি। তার মানে আপনি যেমন এইবার আবার জিতলে একটি কমিউনিটি হল, তারপরে একটি অডিটোরিয়াম হল, আপনাকে 133-তে দেবেন। জলের সমস্যা 133 বলে কথা নয়, আমি যখন 15 নম্বর বড় চেয়ারম্যান হব আমার দায়িত্বটা গার্ডেন গিস, তাহলে আপ যা বাত উঠায় আমি একটু বাত বলতে ঝুন্ন আনসারি কু চিন্তায়। झुन्नू अंसारी जब पहले काउंसिलर था CPM का था, है कि नहीं, उसको गिलारी का लिए कौन लड़ाई किया? रंजीत सिंह छोड़ के कोई नहीं। हमारा काउंसिलर बोला वो CPM का काउंसिलर, हम बोला वो नहीं जानता, हमारा गार्डन का डेवलप के लिए पैसा देने होगा, झुन्नू अंसारी से जाके पूछिएगा। आलदा बोलते स्कूम হরিমোহন ঘোষ করে যে পড়াশোনার জন্য যখন কোনো বাচ্চাদের টাকা ভরতে পারে না, ফিক্স দিতে পারে না, ওটা আমরা করি সবার জন্য নয়, যারা গরিব মানুষ তাদের ফিক্সটাও আমরা করে দিই। তার মানে এইবার বড় 15-এ আমাদের 9 ওয়ার্ড আছে, আপনারা কত ওয়ার্ড নিচ্ছেন? আপনার আপনি কত ওয়ার্ড জিত রে? 9টাই জিতব। चेयरमैन कौन होगा? वो तो बात के बाद दल ठीक करेगा, इसके लिए हम कोई नहीं, वो हाईकमांड जो ठीक करेगा वही होगा। रंजीत सिंह फिर से चेयरमैन हो रहे हैं, अगर हाईकमांड जिम्मेदारी आपको फिर से देती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा महसूस करेंगे? लेंगे, अच्छा ही होगा। गार्डन बीच की और तरक्की उन्नति होगी? जरूर होगा। अपने जानें हमें अनशने बसे एक दिन नागरिक परिषद बैनारे हॉस्पिटल आंदोलन नहीं, तब तो हम लोग छोटा था। CPM पूरा लोग कहा बोला प्रशांत सुर मालूम है गार्डन की में हॉस्पिटल तो दूर का बात है, घोड़ा टीम दे। हेलो, आज ममता बनर्जी दिया तो हॉस्पिटल, यही है ममता बनर्जी। क्या इस बार फिर से आप लोगों का कॉरपोरेशन में बोर्ड आएगा तो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल की बात हो रही गार्डन में सुपर स्पेशल मीडियम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें और क्या उन्नति होगी? देखो मेटाबू सुपर हॉस्पिटल अपने हाथ जाने कि ना ब्लड बैंक करी एवं समस्त रकम ट्रिटमेंट ओखने विशेषकर मेरे ओखने बसि किंतु एकटू प्रब्लेम आता तो হঠাৎ করে কেউ করতে পারবে না। ডাক্তার আমি তো যাকে তাকে এনে বসাতে পারি না, ডাক্তার একটু কমই আছে ভারতবর্ষে সংখ্যাটা, সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করছি আরও ভালো ভালো ডাক্তার নিয়ে আসলে আরও ভালো লোক পরিষেবা পাবে। তার মানে এবার যদি আপনাদের ভোট আসবে, আসবে মানে এসে গেছে 100%, 200%। হ্যাঁ 200%। তার মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আরও কমপ্লিট হবে, মানে বাচ্চা পূজা কাজ আছে ওখানে, এটা হবে। এবং শুনে রাখুন, বহু আদমি বহু বাত করতে হয়, মানে এক বাত বলতে কর্পোরেশন ইলেকশন একদম 100% ফেয়ার, 100% ফেয়ার হোক। এই কর্পোরেশন কা ইলেকশন অল ওভার ইন্ডিয়া इसको ध्यान रखता है कि क्या होगा। 100% फेयर होगा। 2024 में हम लोग दिल्ली भी ले लेगा। 2024 में आप लोग दिल्ली भी ले लेगा। देखिए वोट कहाँ तक मैंने फैसला कौन साबित होगा इस इलेक्शन में? देखिए MIIT बोर्ड पिछले बार भी इस बार भी रणजीत सिंह साहब को जाता है, ममता बनर्जी को जाता है, तृणमूल कांग्रेस को जाता है, और 100% जैसे चेयरमैन साहब ने कहा हमारे काउंसलर ने कि वो लोग उनको दिल से चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो हम लोग के एरिया के पिता हैं, बोलो पिता हैं, और वो हर लोगों का काम करते हैं, हर दुख से जाते हैं सुबह से शाम तक 24x7 वो काम करते हैं, इसलिए 100% वोट जो है वो MIIT का
रणनीशिल को जाएगा। माने 30% प्राउड 30% वोट माइनॉरिटी का आपके टीएमसी के कैंडिडेट जाएगा जाएगा 100% वोट जो है माइनॉरिटी का वो आपके हिसाब से माइनॉरिटी का किस हद तक काम हुआ इस बार? देखिए माइनॉरिटी का जितना भी स्कॉलरशिप हुआ वो रणनीशिल साहब ने करके दिया है, कन्याश्री करके दिया है, स्कूल से भी होता है, कॉलेज से भी होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कॉलेज में वो जो है जो माइनॉरिटी का जो प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम है तो वो देते हैं, और हर साल वो जो है बच्चियाँ जिनका जो है किताब में प्रॉब्लम है, फीस में प्रॉब्लम है, ये है, उनके अलग से फ़ंड वो मुहैया करके रखे हैं, वो बच्चे लोगों को तकसीम करते हैं।